Hi, today is 25th of June 2020. Let us have a quick discussion of today's newspaper. Kal ke quiz ke answers hain physics quiz ke. First, Pascal is for pressure. Then planets do not twinkle. Planets twinkle kyun nahi karte hain? Because they are nearer to earth. Earth ke near hai. And hence we receive greater amount of light aati hai. Zyada variation nahi hota hai unki intensity mein. Aur isi liye wo noticeable bhi nahi hota hai. So that is why they do not twinkle. Then third है metal good conductor of electricity होते हैं because उनमें free electrons होते हैं और ये electrons होते हैं ये carrier होते हैं so free electrons मतलब good conductor of electricity. Then fourth is about rolling of stone. Roll करते हैं ना तो work done कम होता है, अगर work done कम होता है तो वो convenient हो जाता है, तो the work done in rolling a stone is less than in lifting it. Then fifth question था absorption of ink. Ink absorption जो होता है that is done by because of this capillary action blotting paper में. तो ये कल physics question के physics quiz के answers हैं. Today we'll have a discussion on 25th of June 2020. आज हम ये सारे essential vocabulary words और ये news items discuss करेंगे. First is about India, China and LAC. इसमें recently अभी क्या development हो रहे हैं, satellite maps and all, we'll have a look. Then UGC, University Grant Commission ने क्या अभी नई guidelines दी हैं, COVID-19 के updates देखेंगे, this is fumigation और ये क्या different test methods हैं, we'll have a look. Then ये file sterilization भी हम जानेंगे. This is an important news, RBI अब supervise करेगा cooperative banks को भी. RBI को banks का भी bank बोला जाता है, तो RBI का regulation का जो mandate है उसमें अब cooperative banks भी include हो गए हैं. राज्यसभा टीवी था, लोकसभा टीवी था, अब हो जाएगा सांसद टीवी. सिग्नलिंग स्ट्रेंथ, ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है चाइना के रेस्पेक्ट में, हमें सेल्फ रिलायंस चाहिए तो मैन्युफैक्चरिंग एंड एवरीथिंग व्हाट वी नीड टू डू, वेरी वेरी वेल रिटन. देन द मैनी क्वेश्चंस अबाउट दिस मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन आ रही हैं, टॉल क्लेम्स हो रहे हैं, इसको अप्रूवल कैसे मिलता है ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. देन हाउ टू बैटल डिप्रेशन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें विल हैव सम टॉक. देन यूनेस्को एजुकेशन गैप वाइडन, यहाँ पे मिड डे मील स्कील एंड ऑल बहुत सारे जो प्रोग्राम्स चल रहे थे बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 वो स्टॉप हो गए हैं, तो जो पढ़ाई है इसमें एक वाइड गैप वेज क्रिएट होता जा रहा है. वर्ल्ड न्यूज़ में नॉर्थ कोरिया, यूके, बीजिंग, मालदीव्स एंड रशिया. बिजनेस न्यूज़ में विल टॉक अबाउट IMF के नए फाइंडिंग्स, इसने क्या प्रेडिक्शंस किए हैं. स्पोर्ट्स एंड देन ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, विल टॉक अबाउट स्पिरिट ऑफ लाल, बाल एंड पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, हम इनके बारे में जानेंगे. देन मिसलेनियस न्यूज़ देखेंगे एंड देन फिर फाइनली आज हम देखेंगे बायोलॉजी का ये क्विज, 5 क्वेश्चंस विल हैव टुडे. So today we are going to talk about all these important topics in next 25 to 30 minutes. Let us begin. Jo first hai, that is vocabulary. Vocabulary ka matlab hota hai unprecedented. Yahan first question hai, first word hai unprecedented. Unprecedented ka matlab hota hai unmatched hai, unequaled hai, unparalleled hai. To usko hum bolte hai unprecedented development. Eyeball to eyeball, eyeball to eyeball का मतलब यहाँ पे इंडियन फोर्सेज हैं, यहाँ चाइनीज फोर्सेज हैं, फेस टू फेस है और ये एग्रेसिव मैनर में है, सो दिस इज़ eyeball to eyeball. डिप इन मर्करी का मतलब है टेम्परेचर वहाँ पे फॉल हो गया है. पेरल, पेरल का मतलब है डेंजर, जेपार्डी. देन इंटर एलिया, इंटर एलिया का मतलब होता है अमंग अदर थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं अमंग अदर थिंग्स, दैट इज़ इंटर एलिया. देन डायर स्ट्रेट, डायर स्ट्रेट का मतलब है बहुत डिफिकल्ट, बैड सिचुएशन है, डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड बाय डायर स्ट्रेट. देन बेकन, बेकन का मतलब होता है सिग्नल है, जेस्चर है, दैट इज़ बेकन, बेकन ऑफ होप, बेकन ऑफ लाइट. देन दिस इज़ बैलेट, बैलेट मतलब होता है सिस्टम ऑफ वोट, यूजुअली ये सीक्रेट वोटिंग होती है, दैट इज़ कॉल्ड दिस बैलेट. परवेजिव, परवेजिव मतलब ये प्रिवेलेंट है, हर जगह फैला हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड परवेजिव. देन ऑनस, ऑनस मतलब जिम्मेदारी किस पे दी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ, दैट इज़ कॉल्ड दिस ऑनस. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट वोकेबुलरी वर्ड्स जो आगे हम इस न्यूज़पेपर में देखने वाले हैं. इफ़ यू कम अक्रॉस एनी अदर वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. सो लेट अस बिगिन. पहला है दैट इज़ अबाउट इंडिया, चाइना एंड LAC. ये जो गलवान एरिया है यहाँ पे अभी क्लैशेस हुए थे
और फिर से यहाँ पे चाइनीज ने अपने टेंट जैसे लगा लिए हैं। ये एक रीसेंट सैटेलाइट इमेज है जिसमें बताया है पीपल लिबरेशन आर्मी पीएलए जो चाइना की है, गलवान वैली में उन्होंने फिर से ऐसे टेंट्स वापस रीबिल्ड कर लिए हैं। मीनवाइल अभी बात चल रही थी ऑफिशियल्स की, हम डिसएंगेज करेंगे जो फ्लैश हो रहा है, फेस ऑफ हो रहा है, इसमें टेम्परेचर काम करेंगे, काम डाउन होगा, ऑफिशियल्स इस बात पे लगे हुए हैं। तीन फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं अभी यहाँ लद्दाख में, एक है गलवान, दूसरा है हॉट स्प्रिंग्स एंड फिंगर एरिया नियर पैंगोंग सो लेक। यहाँ आई बॉल टू आई बॉल कन्फ्रंटेशन है इंडियन आर्मी और दिस पीएलए के बीच में। गलवान का जो क्लैश है वो मीनवाइल ऑफिशियल्स ने अनफॉर्चुनेट बताया है, बट ये अभी ऑनगोइंग है, इसमें हम फिर से रिविजिट करेंगे एंड विल फॉलो दिस ऑफिशियल स्टेटमेंट्स। देन सेकेंड इज़ अबाउट दिस यूजीसी। यूजीसी ने कहा है कि एग्ज़ाम्स फाइनल ईयर के हैं वो स्क्रैप कर देते हैं, वाई? बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। तो इश्यूज़ हैं यहाँ पे, इन्होंने रिविजिटेड गाइडलाइंस बताई है, बिकॉज कोविड-19 के कारण इतना ज़्यादा डैमेज हुआ है, सब डिस्ट्रप्शंस हुए हैं टीचर्स को भी स्टूडेंट्स को भी, तो नॉर्मल स्टडीज़ नहीं हो पा रही है। तो द फाउंडेशन ऑफ रिवाइज्ड रिविजिटेड गाइडलाइंस होगी, उसमें हेल्थ और जो सेफ्टी है स्टूडेंट्स की भी और टीचर्स की भी और स्टाफ की भी, ये पैरामाउंट है, इससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अकेडमिक सेशन भी मे शायद पुशबैक हो जाए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा है कि वो परमिट नहीं कर सकती है एग्ज़ाम्स आईसीएसई के। सी, बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हुआ है, इसका आगे हम एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ अभी कवर करेंगे। यूजीसी की जो गाइडलाइंस होती है मीनवाइल वो एडवाइजरी इन नेचर होती है, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो उस पर इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकती हैं, ये बाइंडिंग नहीं होती है। ऑनलाइन और डिस्टेंस मॉड्यूल्स हैं, इस पर काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ वर्क कर रही हैं, इवॉल्व होने की कोशिश कर रही हैं। सो दिस इज़ यूजीसी में स्क्रैप फाइनल ईयर एग्ज़ाम। ये है गलवान क्लैश, अनफॉर्चुनेट था। देन ये है कोविड-19 के अपडेट्स। ये जो प्रोसेस यहाँ पे हो रही है इसको हम बोलते हैं फ्यूमीगेशन। फ्यूमीगेशन का मतलब होता है पेस्ट कंट्रोल। कोविड-19 के रिकॉर्ड हाई है, नंबर ऑफ केसेस सी अपवर्ड है, काफ़ी नंबर ऑफ केसेस राइज हो रहे हैं, हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक एवरी डे मिलता जा रहा है, नया रिकॉर्ड सेट हो रहा है टेस्ट में भी और कन्फर्म्ड केसेस में भी। टेस्ट की बात करें तो ये एक बहुत अच्छा ट्विटर पे ये शेयर हुआ है अभी, आई हैव शेयर्ड दिस इन ट्विटर एज वेल। इंडिया ने अभी टेस्टिंग माइलस्टोन क्रॉस किया है 2 लाख सैंपल्स का पर डे फॉर कोविड-19। ये सारा डेटा ना आईसीएमआर का है, तो ये काफ़ी ऑथेंटिकेट माना जाना चाहिए। रियल टाइम आरटीपीसीआर टेस्ट है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है डिटेक्टिंग कोविड-19 को। इसमें एक स्पेशलाइज्ड लेबोरेटरी सेटअप चाहिए, एवरेज रिजल्ट जो आता है 4-5 घंटे में होता है। फिर आता है ये ट्रूनेट और सीबीनेट सिस्टम, ये स्ट्रेटजी नंबर 2 है। ये वाइडली अवेलेबल है डिस्ट्रिक्ट और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, यूज्ड फॉर दिस टीबी डायग्नोसिस भी होता है। इसमें 30-60 मिनट्स में रिजल्ट आ जाते हैं। फिर एक होता है रैपिड पॉइंट ऑफ केयर एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, ये एंटीजेंस होता है बॉडी में देखते हैं, एंटीजन बेस्ड ऐसे यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन होता है, पर ये सारे रिजल्ट्स फाइनल नहीं होते, इनको आरटीपीसीआर टेस्ट से कंफर्म करना पड़ता है। सिम्टोमेटिक नेगेटिव जो रिजल्ट्स हैं उनको कंफर्म करना पड़ता है आरटीपीसीआर टेस्ट से। ये डेटा दिया है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, वेरी वेरी गुड दिस इन्फोग्राफिक। नाउ ये है फ्यूमिगेशन। सोशल डिस्टेंसिंग अभी बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना, अगर इसका वॉयलेशन हो तो मीनवाइल वहाँ पे क्या हो रहा था, कोर्ट्स एंड पुलिस एक्शन ले रही थी। तो कोर्ट्स ने कहा है वॉयलेशन अगर हो रहा है तो उनको जेल में मत डालो, हमारा जो मेन पर्पज़ है वो है अवेयरनेस फैलाना और कॉन्शियसनेस जो लोगों की है उसको रिकिंडल करना। मीनवाइल यहाँ पे ये स्टरिलाइजेशन मशीन किया है, इसमें यूवी लाइट फिटेड है, तो जो ऑफिसेज में फाइल्स एंड ऑल होती है ये ऐसा यहाँ पे कॉन्टैक्ट लेस सैनिटाइजर मशीन्स भी सेक्रेटेरिएट में इंस्टॉल कर दी गई है। सो दीज आर सम कोविड-19 अपडेट्स। देन यहाँ पे फिर जो नेक्स्ट बात है दैट इज़ अबाउट दिस आरबीआई। आरबीआई अब सुपरवाइज करेगी कोऑपरेटिव बैंक्स को भी। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये इसका लोगो है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंक कहा जाता है, ये इशू और सप्लाई करता है करेंसी इंडियन रुपी को। इसका एक और इम्पॉर्टेंट काम है वो है रेगुलेट करना। रेगुलेटर है ये एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया का, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आरबीआई की रिपोर्ट्स आती है, गाइडलाइंस आती है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1 अप्रैल 1935 को ये फाउंड हुआ था और जो प्रेजेंट गवर्नर है वो शक्तिकांता दास साहब हैं।
इसकी सब्सिडरी है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट कॉरपोरेशन, गारंटी कॉरपोरेशन, और ये नोट मुद्रण भी है. नाउ यहाँ पे RBI ने ये अब जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं जिनका नंबर अराउंड 1540 है इन नंबर, 8.6 करोड़ यूजर्स हैं, 4.84 लाख करोड़ डिपॉजिट्स हैं यहाँ पे, इन कोऑपरेटिव जो बैंक्स हैं ये भी अब आएंगे इस RBI के सुपरविजन के अंदर, अर्बन एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एज वेल. तो अब RBI का सुपरविजन होगा, मतलब यहाँ पे बेटर रेगुलेशन होगा, मींस जो लोगों का पैसा यहाँ डिपॉजिट है उसकी सेफ्टी बढ़ गई, मोर सिक्योरिटी हो गई उन्हें. तो दिस इज़ नाउ अंडर द सुपरविजन ऑफ RBI. यूनियन कैबिनेट ने ऑर्डिनेंस अभी यहाँ पे अप्रूव किया है. ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल के थ्रू होता है हमने पढ़ा था ना, तो ऑर्डिनेंस बताइए किस आर्टिकल के थ्रू इशू होता है. इसके साथ ही साथ लेट्स डिस्कस वेरियस रोल्स प्लेड बाय द RBI. दीज आर सम रोल्स. RBI बहुत सारी हेड्स डॉन करता है, बहुत सारे डिफरेंट रोल्स प्ले करता है. तो डिस्कस वेरियस रोल्स प्लेड बाय द RBI. सो दिस इज नंबर फोर. यहाँ एक और न्यूज़ है कि जो हमारा फेवरेट राज्यसभा TV है और लोकसभा TV भी है, ये दोनों अब मर्ज हो जाएंगे. मर्जर ऑफ RS एंड LS चैनल इन फाइनल स्टेजेस है. राज्यसभा TV 2006 में आया था, 2011 में लोकसभा TV आया. ये दोनों मिलके अब बन जाएंगे संसद TV बन जाएंगे. कारण ये है कि डुप्लीसिटी अवॉइड करना है, ताकि यहाँ पे भी बहुत रिसोर्सेज हैं, सेम वर्क हो रहा है, तो इन दोनों को मर्ज कर दो. इससे ह्यूमन और टेक्निकल रिसोर्सेज बेटर यूटिलाइजेशन होगा, इंटीग्रेशन होगा, वर्क होगा जो अंडर, वो अब एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट के थ्रू होगा. तो यहाँ पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज अभी वर्क ऑन गोइंग वर्क है. सो दिस इज पेज नंबर वन. देन ये पेज नंबर टू है, दिल्ली विस्टा पार्लियामेंट रिवैम्प की फिर से बातें हो रही हैं यहाँ पे. देन दिस इज पेज नंबर थ्री, डिप इन मर्करी. देन दिस इज पेज नंबर फोर, ये एडिटोरियल है. एडिटोरियल में पहला एडिटोरियल है, दिस इज अबाउट सिग्नलिंग इंटेंट. सिग्नलिंग स्ट्रेंथ भी इंडिया दे रहा है. इंडिया नीड्स एनहेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत है हमें, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की. सी हमने यहाँ पे चाइना का काफ़ी हमारे यहाँ ऐसे अंडर टोन्स हैं कि चाइनीज़ से हमें फ्रीडम लेना है, हमें इन पे डिपेंडेंसी कम रखनी है, हमें सेल्फ रिलायंट ज़्यादा बनना है. तो ये अंडर टोन है गवर्नमेंट के डिफरेंट जो स्टेप्स ले रही है. इंडिया नीड्स एनहेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बढ़ानी होगी हमें, और एफिशिएंसी भी इम्प्रूव करना है. गवर्नमेंट ने मीनवाइल मैंडेटरी कर दिया है. कल हमने ये देखा था गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस. आपने बहुत अच्छे आंसर्स लिखे, दिस इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, बट इसमें कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं. इसको थोड़ा टाइम हो गया है बट ये इतना पिकअप नहीं हो रहा है, पॉपुलर नहीं हो रहा है, कुछ बॉटल नेक्स आ रहे हैं, तो हमें वो भी आइडेंटिफाई करना है. वेंडर्स जो हैं GeM प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म पे, इसमें गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि आप बताओ आप जो भी सामान बेच रहे हो उसका सोर्स क्या है, कंट्री का ओरिजिन क्या है ऑफ लिस्टेड प्रोडक्ट्स. हमारा जो एम है वो है प्रमोट करना इंडिया मेड गुड्स को. इसके डिटेल्स शेयर करें, एक्सटेंट हो लोकल कंटेंट और लोकलाइजेशन पे. मींस लोकलाइजेशन पे हमें ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, जो फॉरेन इम्पोर्ट है, डिपेंडेंसी है, उसको कम करना है. अब ये जो पूरा है इसको हमें देखना पड़ेगा इस ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट में. ये किंडल कर रहा है और एम्प्लीफाई कर रहा है गैदरिंग क्लैमर जो हो रहा है चाइनीज़ प्रोडक्ट से, बॉयकॉट का, एंटी चाइना सेंटिमेंट्स का, उसको ये किंडल और एम्प्लीफाई कर रहा है फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड सबसिक्वेंट बॉयकॉट ऑफ चाइनीज़ प्रोडक्ट. एट द सेम टाइम ये जो बहुत सारे हाइटेंड बॉर्डर टेंशन हुए हैं चाइना में, इससे बहुत सारे सेवरल क्वेश्चंस भी हुए हैं. गवर्नमेंट अटेम्प्ट कर रही है कि हमारी इकोनॉमी में मेक इन इंडिया का पार्ट बढ़े, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, हम इन्वेस्टमेंट आए, कटिंग एज टेक्नोलॉजी आए. अब मेक इन इंडिया जो हमने लाया था उसमें भी हमने सेम यही चीज़ बात किया था, बट वो इतना हिट नहीं हुआ. सेल्फ रिलायंट इंडिया में भी हम फिर वही सेम चीज़ बात कर रहे हैं. अब ये देखना होगा इस बार रिजल्ट्स डिफरेंट कैसे आते हैं. रिजल्ट्स डिफरेंट तब आएंगे जब हम एक सिस्टमेटिक प्लानिंग के थ्रू आगे बढ़ेंगे. इंडिया का जो डिपेंडेंस है अभी भी, वो आप देखो तो इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट में, ये दवाइयाँ बनाने के लिए यूज़फुल होता है एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट. तो इसका 70% जो है वो आ रहा है चाइना से. तो सी द डिपेंडेंसी, यू हैव सो मच डिपेंडेंसी ऑन दीज चाइनीज़ प्रोडक्ट. कल हमने देखा था बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, इसमें चाइनीज़ मनी बहुत ज़्यादा यहाँ पे है. तो डिपेंडेंसी इज़ सो मच. देन अगर ऐसे में अगर अपन वेपनाइजेशन करें ट्रेड का, किसे $81 बिलियन का ट्रेड है, हम इस पर बेट करें, तो ये डबल एज्ड सॉर्ड भी है, फ्रॉट विद रिस्क टू द इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी को भी यहाँ पे रिस्क हो सकता है. तो
फॉर इंडिया टू वीन इट सेल्फ ऑफ, हमें चाइनीज के इस ग्रिप से बाहर निकलना है, उन पे डिपेंडेंसी कम करना है, तो हमें ओवरऑल अपना सिस्टमेटिक ओवरहॉल करने की ज़रूरत है. हम ओवरहॉल करें ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस को, अटेन करें जेन्युइन सेल्फ रिलायंस हम करें लॉन्ग और कैपिटल इंटेंसिव प्रोसेसेस के थ्रू. ये शॉर्ट टर्म रेटोरिक, ये जो मर्क्यूरियल टॉक होता है, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं होता है, ये बहुत जल्दी टॉक्स आते हैं, बहुत जल्दी सबसाइड भी हो जाते हैं. वी नीड अ सिस्टमेटिक अप्रोच. ग्रेटर इन्वेस्टमेंट आए, हम अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, स्किल बिल्डिंग करें और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करें. जस्ट बिना प्रिपरेशन के हम अगर यहाँ पे ऐसे बॉयकॉट और ये सारी चीज़ें करेंगे तो ये डबल एज्ड सॉर्ड भी हो सकता है, इंडियन इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा डैमेज होगा. तो वी नीड टू टेक दिस प्रॉपर कैलकुलेशन के बाद ही हमें ये डिसीजंस लेने चाहिए. एट द सेम टाइम सेल्फ रिलायंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुद की कैपेसिटी बिल्ड करें. यहाँ पर जो जेम है, मूव ऑन कंट्री ऑफ ओरिजिन इज एट बेस्ट सिम्बॉलिक. अभी हमने ये जो स्टेप्स लिए हैं ये ज़्यादातर सिम्बॉलिक लग रहे हैं, इसमें रिजल्ट्स कैसे आएंगे ये देखना, फिर से देखना पड़ेगा. पॉलिसी मेकर्स ऑट टू टोन डाउन एनी ट्रेड लिंक रेटोरिक एंड गिव डिप्लोमेट्स एंड मिलिट्री नेगोशिएशंस द रूम टू स्मूथ टाइज. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी डेलिकेट मैटर, लेट द एक्सपर्ट्स हैंडल दीज मैटर. मिलिट्री हमारी बहुत केपेबल है, डिप्लोमेट्स भी हमारे बहुत केपेबल है, लेट देम हैंडल, दे नो द थिंग्स. पॉलिसी मेकर्स को भी ये जो टोन डाउन करना चाहिए, ये जो रेटोरिक होता है इससे इसकी यूजफुलनेस बहुत कम है. नाउ कीपिंग दिस इन माइंड, और इकोनॉमिक टाइम्स ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल किया है, रीट्वीटेड इन ट्विटर, हैव अ लुक. वहाँ पे भी बताया है हम चाइना से कैसे यहाँ पे सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ सकते हैं, डिफरेंट स्टेप्स. तो सेल्फ रिलायंस डेवलप एन ओपिनियन, इस पर एक अच्छा बैलेंस्ड ओपिनियन फॉर्म करिए, राइट इट डाउन, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं और सजेशंस भी हमें बताने हैं कि कैसे हमारे जो शॉर्टकमिंग्स हैं उसको हम ओवरकम करके हमारी स्ट्रेंथ पे हम खेलें और हम यहाँ पे सेल्फ रिलायंस बनने का जो हमारा गोल है वो अचीव कर पाएँ. तो सेल्फ रिलायंस डेवलप एन ओपिनियन एंड चैलेंजेस एंड सजेशंस, ये सारा ट्राई टू राइट एन आंसर. सो दिस इज़ द सेकेंड एडिटोरियल. देन दिस इज़ अबाउट August 5 एंड दिस इज़ द पेरल्स ऑफ दिस सिंड्रोम. Then this is an important article. Okay, we skip this political thing basically. So this is the many questions about this favipiravir. Favipiravir. अब ये भी समझना बहुत ज़रूरी है. अभी बहुत सारे मेडिसिन आ रहे हैं, टॉल क्लेम्स हो रहा है, उसका क्लिनिकल ट्रायल नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, साइंटिफिक उसमें कुछ टेस्ट हुए नहीं है और टॉल क्लेम्स हो रहे हैं. दीज आर नॉट राइट. ये जो पूरा प्रोसेस होता है स्पेशली मेडिसिन एंड ऑल में, ये पूरा प्रोसीजर के थ्रू पास होना ज़रूरी है. इस पैंडेमिक ने एक्सपोज कर दिया है डायर सिचुएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में. कल हमने आंगनवाड़ी भी पढ़ा था और दिस आशा वर्कर भी देखा था, प्राइमरी हेल्थ केयर क्यों इंपॉर्टेंट है. देन अब ये दूसरा प्रॉब्लम है, जो मेडिसिन है, R&D है, यहाँ पे भी जो रेगुलेशन है, इनको जो परमिशन मिल रही है उसमें भी देर आर सर्टेन लकुना. पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ बहुत ज़्यादा ओपेसिटी है. अब क्लिनिकल ट्रायल का रिजल्ट्स ओपन नहीं है, उसका पीयर रिव्यू हुआ नहीं है, तो उस मेडिसिन को अप्रूवल कैसे मिला. ड्रग मेडिकल डिवाइस अप्रूवल आर ग्रांटेड इन इंडिया. सो दिस ओपेसिटी इज़ नॉट राइट. ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है. इनके क्लिनिकल ट्रायल्स कैसे होते हैं, देन अप्रूवल्स जो मिला है उसमें ओपेसिटी क्यों है, लाइसेंसिंग मिला है डायग्नोस्टिक किट्स को तो उसमें स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है. देन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन रिक्वायर टेस्टिंग ऑफ फार्माक्यूटिकल ड्रग्स. ड्रग्स इस पर बहुत थोरो टेस्टिंग होता है इनका बिफोर उसको कमर्शियली लॉन्च करने से पहले. रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल भी होता है. स्वामीनाथन मैम ने, सौम्या स्वामीनाथन मैम ने भी अभी यही बोला था जब HCQ पे डिबेट हो रहा था. इन्होंने कहा ओके लेट्स ट्रायल करते हैं, जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे, ट्रायल्स होंगे, समझ में आ जाएगा कि ये मेडिसिन इफेक्टिव है या नहीं है. तो ट्रायल्स और टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं. क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं ना ये रैंडमाइज्ड होते हैं. रैंडमाइज मतलब किसी को पता नहीं है, पेशेंट को भी नहीं पता है, डॉक्टर को भी नहीं पता है कि व्हाट इज़ व्हाट, कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं. रैंडमली मेडिसिन दिया पेशेंट्स को, फिर हम उसके रिजल्ट्स को देखते हैं, फिर वेरीफाई करते हैं कि ये मेडिसिन ने वर्क किया है या नहीं किया है. वन सेट ऑफ पेशेंट्स को हम प्लेसेबो, अदर सेट्स को इन्वेस्टिगेशन ड्रग दिया है. अब इसके जो रिजल्ट आएंगे वो हम सेपरेटली इंडिपेंडेंटली देखेंगे, रिजल्ट्स डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे एफिकेसी ऑफ ड्रग. तो ये होते हैं रैंडमाइज ट्रायल. डेटा जो होता है अब इसमें पब्लिश होगा, उसका पीयर रिव्यू होगा, साइंटिफिक जर्नल में आएगा. तो दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस और इसमें थोरो चेकअप होता है कि ये मेडिसिन एक्चुअली में इफेक्टिव है या नहीं है. इस पूरे प्रोसेस को बाईपास नहीं करना चाहिए.
कल्चर ऑफ सीक्रेसी इज नॉट राइट, ड्रग अप्रूवल में सर्व नो पर्पस, बिकॉज यहाँ पे जो बात है वो लाइफ और डेथ का है, लाइफ एट रिस्क होता है, तो इस सब चीज़ों से वी शुड बी वेरी केयरफुल. नाउ यहाँ पे पोखरियाल साहब ने ये आर्टिकल लिखा है, हाउ टू बैटल डिप्रेशन. नाउ दिस इज़ ऑल्सो समथिंग वी नीड, वी शुड हैव अ टॉक. ये जो चीज़ है ये अक्सर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है बिकॉज ऑफ दिस COVID-19 के कारण. बहुत ज़्यादा एन्जाइटी है, स्ट्रेस है, अनसर्टेनिटी है, चैलेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमिक हार्डशिप्स आ रही है, हेल्थ हार्डशिप्स है, देर आर सो मेनी थिंग. फिर हम एक डिजिटल वर्ल्ड में भी दिख रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड में जो दिखता है वैसा होता नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, स्ट्रेस आता है. सो दीज ऑल थिंग्स आर क्रिएटिंग अननेसेसरी ट्रबल, मेंटल इमोशनल ट्रबल हो रहा है. Finding meaning in life through love and work and being socially connected are important. These things really work. See, जैसे आज का ये जो newspaper analysis video है, this is my 187th video. एक भी दिन मैंने miss नहीं किया है, zero break किया है. ये क्या हुआ, ये जो हम काम करते हैं ना, इट हेल्प्स अ लॉट. इससे हमें काफ़ी पॉजिटिविटी आती है. आई मेक दिस वीडियोज, ये आपके लिए कितना यूजफुल है, मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुआ है, एंड दिस इज़ हेल्प मी अ लॉट. तो ये चीज़ें जो होती है ना, ये हमें काफ़ी हेल्प करती है. दीज आर सर्टेन ट्रिक्स. अच्छा खाना खाना चाहिए, ईट हेल्दी. अगर अच्छा खाना खाते हैं तो ये भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेता है. एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लव योर वर्क. अपने काम को बहुत अच्छे से करना चाहिए. इफ़ योर वर्क इज़ टू स्टडी, स्टडी वेल, दैट्स इट. लव योर वर्क. फ्रेंड्स और जो फैमिली होते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो हमें समझना चाहिए, वो होता है कप ऑफ टी. आप जैसे हो ना, आपके एग्जैक्टली आपके जैसे 7 बिलियन से ज़्यादा ह्यूमन बींग्स हैं अर्थ में. ये ज़रूरी नहीं है कि हर ह्यूमन बींग के साथ आपकी कॉम्पैटिबिलिटी हो. यू आर नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी, एंड एवरी वन इज़ नॉट योर कप ऑफ टी. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. ईट हेल्दी, एक्सरसाइज, लव योर वर्क, फ्रेंड्स फैमिली आर इम्पॉर्टेंट, एंड जस्ट रिमेंबर दिस कप ऑफ टी. तो ये सारी चीज़ें होती है कंस्ट्रक्टिवली, स्लोली, ग्रेजुअली, दीज थिंग्स हेल्प अ लॉट. ओके, सो डू दिस. देन यहाँ पे जो नेक्स्ट है, दैट इज़ यूनेस्को एजुकेशन गैप वाइडन. ये कोविड है, ये बहुत परेशान कर रहा है ये वायरस. देन दिस इज़ न्यूज़ थिंग. देन दिस इज़ पेज नंबर 9. ये पेज नंबर 10 है. यहाँ पे ये बात है, एजुकेशन गैप वाइडन, और ये बात लिखी है यूनेस्को ने. ये ऑब्जर्वेशन है उसकी एक रिपोर्ट का. सी, स्कूल्स का क्लोजर हो गया ड्यू टू पैंडेमिक. इसने इंटरप्ट किया है स्टूडेंट सपोर्ट मैकेनिज्म को. स्कूल से क्या मतलब होता है, जहाँ पे हम एजुकेशन लेने जा रहे हैं. बट सी, ये जैसे बच्चा लोग हैं, इन लोगों को वहाँ पे फूड भी प्रोवाइड होता है, मील, मिड डे मील भी मिलता है, ओवरऑल हेल्थ, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, पीयर लर्निंग होती है. तो स्कूल इज़ नॉट समथिंग अबाउट बुक्स. स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, हेल्दी फिजिकल एक्टिविटी होती है वहाँ पे. तो ओवरऑल ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. बट अब बिकॉज स्कूल बंद हो गए, तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी आ रहे हैं. चिल्ड्रन हु डिपेंड ऑन फ्री नून मील एट स्कूल आर अमंग द बैडली हिट. ये काफ़ी ज़्यादा बैडली हिट हुआ है. स्कूल्स का जो क्लोजर हुआ है ड्यू टू पैंडेमिक हैव इंटरप्टेड स्टूडेंट सपोर्ट मैकेनिज्म. COVID-19 ने एग्जर्बेटेड कर दिया है इनइक्वालिटी को भी, एजुकेशन सिस्टम अक्रॉस द वर्ल्ड. नो, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड. 2020 में ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट ने कहा है कि जो लर्निंग कंटिन्यूटी है इसको बनाए रखने के लिए हमने एफर्ट्स डाल रहे हैं, बट इस एफर्ट से क्या हुआ, हमारे यहाँ इनइक्वालिटी बढ़ रही है. एक और जो दूसरी चीज़ होती है कॉन्टीन्यूटी के लिए, वो होता है एजुकेशन का ओवर्ट कमर्शियलाइजेशन होना. ये ओवर्ट कमर्शियलाइजेशन इज़ नॉट गुड. एजुकेशन का ओवर्ट कमर्शियलाइजेशन इज़ नॉट गुड. एजुकेशन एक्सक्लूसिव भी नहीं होनी चाहिए, ये दिस इज़ ऑल्सो नॉट गुड. एजुकेशन जो होती है ये इंक्लूसिव होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये कनेक्ट करे, दैट शुड बी द प्रायोरिटी. हमारे यहाँ अभी भी क्या है, डिजिटल डिवाइड है. यू हैव वेरी गुड कनेक्शन, ब्रॉडबैंड, 3G, 4G, everything, but this is not available to all students. बहुत सारे ऐसे students हैं जिनके पास fast internet नहीं है, वो videos नहीं देख पा रहे हैं. तो digital divide है, financial divide भी है. You are financially capable, that is a good thing, but there are many students who are not capable to pay. इतना बड़ा बड़ा fee वो दे नहीं पाते हैं, तो financial divide भी है, और plus language का barrier भी आ जाता है. तो इन सब चीज़ों के लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए, commercialization नहीं हो, exclusive नहीं होना चाहिए, एजुकेशन हमेशा इंक्लूसिव होनी चाहिए. देन
यहाँ पे इवन एज गवर्नमेंट इंक्रीज कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो, डिजिटल डिवाइड हो, बट ये भी प्रॉब्लम आ रही है इसमें, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बोथ इक्विपमेंट स्किल्स नहीं है, वर्किंग कंडीशंस नहीं है, अवेलेबल प्लेटफॉर्म कैसे करना है, एडिक्वेट इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। प्लस अगर आप अपने घर पे सपोज पढ़ रहे हैं तो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि घर पे आपको उतना अच्छा पीसफुल एंड दिस एनवायरनमेंट इज़ नॉट अवेलेबल, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है। तो इस सब चीज़ों से क्या होता है, लर्निंग का कंटिन्यूटी ब्रेक होता है, एजुकेशन का क्वालिटी ख़राब होता है। तो दीज ऑल थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। और ये जो तीन पिलर है एजुकेशन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पिलर है एजुकेशन हमेशा अफोर्डेबल होनी चाहिए, दूसरा एजुकेशन हमेशा एक्सेसिबल होनी चाहिए, एंड तीसरा एजुकेशन हमेशा क्वालिटी होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी, ये गिब्रिश गार्बेज नहीं होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए यहाँ पे। एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड क्वालिटी, दीज थ्री आर मेन पिलर्स ऑफ एजुकेशन। सो इस पूरे जो चर्न हो रहा है पोस्ट कोविड-19, हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि बुक्स पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिया और उसको आपने एग्जाम में लिख दिया, पास हो गए, आगे बढ़ गया। दिस इज़ नॉट एजुकेशन। द पर्पज़ ऑफ एजुकेशन इज़ टू मेक गुड ह्यूमन बीइंग, जिनमें स्किल्स भी हो और दिस ओवरऑल होलिस्टिक उनका डेवलपमेंट हुआ हो। सो दिस वी नीड टू इंश्योर। देन यहाँ पे बात है वर्ल्ड न्यूज़ का। नॉर्थ कोरिया इज़ अगेन सस्पेंड मिलिट्री प्लान अगेंस्ट साउथ कोरिया। देन यूनाइटेड किंगडम में है सी, यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हेल्थ बॉडीज़ वॉर्न कर रही हैं सेकेंड कोविड-19 वेव्स आ रही है, यहाँ पे कोविड-19 वापस आ रहा है। बीजिंग में भी मीनवाइल आउटब्रेक कंट्रोल हो गया है। मालदीव्स जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, द मालदीव्स टूरिज्म डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा, यहाँ कोरल है, काफ़ी टूरिज्म आता है। नाउ दे आर थिंकिंग टू ओपन अप विजिटर्स इन मिड जुलाई। मालदीव्स हुआ, USA हुआ, UK हुआ, इनमें हम द क्यों लगाते हैं? यूजुअली कंट्री में द नहीं लगता है, इंडिया में कभी द इंडिया नहीं बोलेंगे, बट इधर हम दी लिखा हुआ है, वाई? रशिया में मीनवाइल विक्ट्री मार्च हुआ था, इंडियन के यहाँ पे सोल्जर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है उन्होंने। देन दिस इज होटल लाइफ कम टू यू फूड एंड ऑल। देन दिस इज रिस्की पाउडर पफ प्रेटिनेस। ये है वर्ल्ड न्यूज़। वर्ल्ड न्यूज़ में यहाँ पे हमने ये देखा। देन दिस इज बिजनेस न्यूज़। बिजनेस न्यूज़ में फर्स्ट है IMF के बारे में। IMF ने प्रेडिक्ट किया है कि GDP जो इंडिया का है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 4.45% ऑन कोविड-19। कोविड-19 के बैकड्रॉप में 4.5% कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है GDP। ये कॉन्ट्रैक्शन जो है ये फर्स्ट इन डेकेड है, इतना सीवियर कॉन्ट्रैक्शन। की इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ हैं, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा वर्स्ट हिट हुई है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19। फर्दर यहाँ पर ये लिखा है कि प्रॉस्पेक्ट फॉर रिकवरी जो है, रिकवरी जैसे ये वापस ऐसे बाउंस होगा, इकोनॉमी ऐसे बाउंस होगा, बट ये कब बाउंस होगा ये डिपेंड करेगा कि ये कोविड-19 का इम्पैक्ट कितना होता है और ये कितना लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है। सो फोरकास्ट देमसेल्व्स आर स्टीप्ड इन परवेजिव अनसर्टेनिटी। अभी कुछ भी सर्टेन नहीं है, कल क्या होगा नोबडी नो, विद द वायरस स्टिल राइव। US इकोनॉमी भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, चाइना का इकोनॉमी भी स्लाइटली यहाँ पे थोड़ा बेटर हुआ है, बट अगेन नॉट डूइंग दैट वेल। सो ये अनसर्टेनिटी है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स में, अभी स्पोर्ट्स में सारी एक्टिविटीज़ ऑफ हो गई थी। जोकोविक एंड ऑल दे थॉट कि अभी टेनिस का फिर से टूर्नामेंट स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल्ड होगा, लेसर नंबर ऑफ ऑडियंस एंड ऑल रहेगा, बट सी दे ट्राइड, जोकोविक को खुद को कोविड-19 हो गया। जोकोविक अंडर फायर आफ्टर दिस फियास्को। सो लेट्स नॉट हरी, लेट्स वेट, देर आर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी अभी क्या होना है, तो वी शुड रिमेंबर दिस। Then this academies in dire strait, everything everywhere, these are the problem, academies in dire strait because of this lockdown, feat of human endeavor and mental toughness। Then यहाँ पे एक पुणे का NGO है, ये बना रहा है एक सेंटेनरी सेलिब्रेशन बाल गंगाधर तिलक जी का। ये कल्चरल और लिटरेरी प्रोग्राम्स होगा। ये जो इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं तो इसमें एक थे मॉडरेट्स और एक थे एक्सट्रीमिस्ट। इसमें जो एग्रेसिव और थोड़ा विचार जिनके थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, ये इनमें थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जी और बिपिन चंद्र पाल जी। इन तीनों के ट्रायो को बोलते हैं लाल बाल पाल। इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में ये बहुत तीन बड़े नाम हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जी। लाला लाजपत राय जी थे, ये फ्रीडम फाइटर थे, पाइवेटल रोल है इनका इंडियन इंडिपेंडेंस में। इनको पंजाब का केसरी भी कहा जाता है, पंजाब केसरी। देन
यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक है, ये केशव गंगाधर तिलक बॉर्न एज नेशनलिस्ट टीचर थे, ये इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे इन्होंने, इनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया के दिस फ्रीडम स्ट्रगल में, इनको लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। देन ये बिपिन चंद्र पाल हैं, ये भी इंडियन नेशनलिस्ट हैं, राइटर, ओरेटर, सोशल रिफॉर्मर, काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है, स्वदेशी मूवमेंट के मेन आर्किटेक्ट थे ये। सो कोलकाता दिस बिपिन चंद्र पाल, तो लाल बाल पाल, ये तीन बहुत बड़े इंपॉर्टेंट नाम है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। सो लेट अस प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट, इनके बारे में जानना है। इनका और भी वर्क देखिए, लाला लाजपत राय ने और भी वर्क किया था, सैन फ्रांसिस्को एंड ऑल, गदर, इन सब में इनके कॉन्ट्रीब्यूशन है। बाल गंगाधर तिलक जी ने भी काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट किया, इनके पेपर आए थे केसरी, मराठा, देन दिस होम रूल मूवमेंट में इन्होंने काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट किया। बिपिन चंद्र पाल जी भी सिमिलरली काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो पर्सनैलिटीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है और उनका एक कुछ इंपॉर्टेंट वर्क, जिससे हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बारे में जाना था। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट। इसके बाद ये मिसलेनियस न्यूज़ है, यूपी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पे बन रहा है, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उसे दर्जा मिल गया है। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही है, वाई, बिकॉज लाइव स्टॉक में इंडिया का बहुत अच्छा, काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर लाइव स्टॉक में, इंडिया का टॉप में नाम आता है। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन स्पेस एक्टिविटीज़, अगेन ट्विटर में बहुत अच्छे इसके एक इन्फोग्राफिक आया है, आई हैव शेयर्ड इट ओवर देयर, हैव अ लुक। इंडिया का सेल्फ रिलायंट में भी हमने देखा था, जैसे टेस्ला का हमने देखा, स्पेस एक्स देखा था, दिस मस्क का यूएसए ने, इसने एस्ट्रोनॉट सेंड किए थे, पब्लिक एंड प्राइवेट, नासा एंड दिस प्राइवेट कंपनी दोनों ने मिलकर यहाँ पे जॉइंट वेंचर किया। तो इंडिया में भी ऐसा क्यों ना हो कि इसरो एंड दिस प्राइवेट सेक्टर भी हो वहाँ पे। इसके लिए गवर्नमेंट स्पेस एक्टिविटीज़ को एम्फेसाइज कर रही है, इस पर अभी कुछ अप्रूवल भी दिए हैं, हैव अ लुक। देन दिस इज़ अबाउट क्विज, आज बायोलॉजी का क्विज है। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरिया, डिफेंस क्या है हमारा बैक्टीरिया के अगेंस्ट, हेमोग्लोबिन, दिस दिस और दिस, सो द राइट आंसर इज टेल। देन दिस इज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक होता है ऑक्सीजनेटेड, एक होता है डी ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन नहीं है तो वो डी ऑक्सीजनेटेड हो गया। तो कौन सी ब्लड वेसल है जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, दिस 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 और दिस, और ये भी बताइए कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी वेसल कैरी करती है, डी ऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड, दीज आर इंपॉर्टेंट। देन यहाँ पे पूछा है जो कौन सी डिसीज़ है जो वायरस से होती है, जैसे कोरोना वायरस है, ये क्या है, वायरस फैमिली है, तो वायरस डिसीज़ हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगल हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, तो विच डिसीज़ इज़ कॉज ड्यू टू दिस वायरस, दिस 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 और ऑल ऑफ द अबव, व्हाट इज़ द राइट आंसर। देन नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट वायरसेस, वायरसेस के बारे में जानना ज़रूरी है। वायरस डू नॉट कंटेन अ राइबोसोम, इज़ इट ट्रू। वायरस कैन मेक प्रोटीन, प्रोटीन बना सकते हैं क्या वो। वायरस कैन बी कैटेगराइज्ड बाय देयर शेप्स, उनके अलग अलग शेप्स होते हैं, और दीज टू आर करेक्ट, व्हाट इज़ द राइट ऑप्शन। यहाँ एक और बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो वायरस होते हैं ये डेड होते हैं या अलाइव होते हैं, आंसर इट, वायरस डेड है या अलाइव है। देन वॉट मेक्स अ रेप्टाइल अ रेप्टाइल, जैसे रेप्टाइल होते हैं हमारे स्नेक्स एंड ऑल, दिस क्रोकोडाइल एंड ऑल, तो रेप्टाइल जो हैं वो रेप्टाइल कब कहलाते हैं, जब वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जब वो वार्म ब्लडेड होते हैं, जब वो नॉन हियरिंग होते हैं, या जब वो एग लेइंग होते हैं, तो व्हाट इज़ द कंडीशन, क्राइटेरिया क्या है रेप्टाइल होने का। सो दिस इज़, ये फिफ्थ है, ये फोर्थ है, ये थर्ड है, ये सेकेंड है और ये फर्स्ट है, ओके, 1 2 3 4 5, फाइव क्विज आर हियर, फाइव क्वेश्चन आर हियर। सो टुडे वी टॉक्ड अबाउट दिस बायोलॉजी क्विज, ये मिसलेनियस सेक्शन है, हमें बहुत अच्छे से समझना है लाला लाजपत राय जी के बारे में, बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में और बिपिन चंद्र पाल जी के बारे में, इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, थॉट प्रोसेस, फिलोसफी, वर्क डन, कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ऑल। देन स्पोर्ट्स, जल्दबाजी नहीं, देन IMF ने ये प्रिडिक्शंस किए हैं, वर्ल्ड न्यूज़ में दीज ऑल न्यूज़ आर देयर, दी क्यों बोलते हैं मालदीव्स, दी UK, दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एजुकेशन हमेशा हमें याद रखना है अफोर्डेबल होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए और उसमें क्वालिटी भी होनी चाहिए। देन ये यूनेस्को की फाइंडिंग है यहाँ पे, और जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं स्कूल्स के क्लोज होने के कारण। देन रिमेंबर दिस थिंग, ईट हेल्दी, एक्सरसाइज, लव योर वर्क, फ्रेंड्स फैमिली आर इम्पॉर्टेंट एंड कप ऑफ टी कॉन्सेप्ट, रिमेंबर दीज फाइव थिंग्स।
हाउ टू दिस ओके देन नीदर पेशेंट नॉर डॉक्टर नो. यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, इसमें ओपेसिटी नहीं होनी चाहिए. ट्रांसपेरेंटली हमें जो फाइंडिंग्स हैं उसको पब्लिक के सामने रखना है, बिकॉज इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ, लाइफ एट रिस्क हो जाती है. देन दिस इज सेल्फ रिलायंस डेवलप एन ओपिनियन. इस पर आप इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल भी देखना, सेल्फ रिलायंस डेवलप एन ओपिनियन चैलेंजेस एंड सजेशंस ट्राई टू फाइंड आउट. इस पर एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं. देन दिस इज सिग्नलिंग. अब ये दोनों एक टीवी हो जाएगा, सांसद टीवी. देन ये आरबीआई है, सुपरवाइज करती है कोऑपरेटिव बैंक को. वेरियस रोल्स प्लेड बाय द आरबीआई. आरबीआई के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, इसके डिफरेंट डिफरेंट रोल्स क्या हैं, डिफरेंट हेड्स क्या हैं. देन ये COVID-19 अपडेट्स हैं, ये फ्यूमिगेशन है, दिस इज़ अ वेरी गुड इन्फोग्राफिक, ये सैनिटाइजर मशीन है. और चाइना मीनवाइल यहाँ पे ट्रबल दे रहा है काफ़ी. इंडिया चाइना एंड LSE ऐसे यहाँ पे हैं. सो एंड दीज आर वोकैबुलरी वर्ड्स एंड दिस इज 25th of June 2020. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.